दोस्तों परसों यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में एक बहुत ही अजीब सी घटना होती है दरअसल होता यूं है कि काफी सारे यात्री बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर एक साथ नारेबाजी करने लगते हैं और काफी ज्यादा हंगामा भी क्रिएट कर देते हैं अगर पूरा क्या केस क्या है उसकी बात की जाए तो ट्रेन नंबर टू कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस एक बहुत ही लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है ये ट्रेन का जो एक्चुअल रूट है वो होता है कन्याकुमारी से चलकर कोयल त्रिवेंद्रम होते हुए कोट्टायम एर्नाकुलम के रास्ते ये ट्रेन कोयम्बटूर इरोड सालिम कटपाड़ी जंक्शन रेनीगुंटा जंक्शन उंगोल विजयवाड़ा होते हुए समालकोट के रास्ते विजयनगरम होते हुए अपने आगे के सफर को तय करती है लेकिन आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि विजयनगर में रिसेंटली एक रेल एक्सीडेंट हुआ है जिसके वजह से इस ट्रेन को डायवर्ट किया जाता है और ये ट्रेन अपना जो ट्रेडिशनल रूट है उसको फॉलो ना करते हुए नागपुर रायपुर बिलासपुर झारसुगुड़ा होते हुए डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही थी दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने डाइवर्टेड ट्रेन में ट्रेवल किया होगा या फिर कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स के चैनल पर डाइवर्टेड ट्रेन वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि डाइवर्टेड ट्रेन अक्सर और ज्यादा लेट की जाती हैं उनको उसका जो नया रूट होता है यानी कि जो डाइवर्टेड वाला रूट होता है उसमें प्रेफरेंस नहीं मिलती है और खाने पीने वाली काफी सारी तकलीफों, तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है दोस्तों डिब्रुगढ़ विवेक एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसका रूट वैसे ही बहुत ही ज्यादा लंबा है ट्रेन कन्याकुमारी से चलकर डिब्रूगढ़ तक जाती है और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये हो जाता है चार हजार एक सौ उनचास किलोमीटर तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है और ट्रेन को ये जो पूरी दूरी है इसको कंप्लीट करने में पचहत्तर घंटे पच्चीस मिनट यानी कि लगभग तीन दिन से भी ज्यादा का समय लग जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रेन को डाइवर्ट किया जाता है और खासकर एस के थ्रू ले जाया जाता है जहां पर ऑलरेडी जो फ्लाइट ट्रेन है उनकी बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक है वो हमको देखने को मिलता है ये एक ऐसा रूट है जिसमें दुरंतो ट्रेन दस घंटा लेट जनशताब्दी घंटा लेट चलती है तो ऐसी स्थिति में एक ट्रेन जो इस रूट की है ही नहीं उसको सोचिए कितना ज्यादा परेशान किया गया होगा तो यात्रियों ने स्टेशन पहुंचते ही यानी कि बिलासपुर जंक्शन जो कि एक इस रूट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वहां पहुंचते ही बहुत ज्यादा हंगामा किया क्योंकि ट्रेन काफी ज्यादा लेट हो रही थी और साथ ही जो पैसेंजर्स है उनको खाने पीने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि ट्रेन का जो रूट होता है उसमें जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं वहां से खाना को रखा जाता है ट्रेन पे और साइड पेंट्री के थ्रू पैसेंजर्स को सर्व किया जाता है यानी कि जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं मान लीजिए आप दिल्ली से चेन्नई के बीच ट्रेवल करते हैं तो आप दिल्ली से अपने सफर को शुरुआत करते हैं तो जो ब्रेकफास्ट का टाइम है लंच का टाइम है स्नैक्स का टाइम है डिनर का टाइम है उस टाइम जो भी बड़े स्टेशन आते होंगे मान लीजिए ग्वालियर आगरा भोपाल इटालसी नागपुर विजयवाड़ा ये जो पूरे स्टेशन है इस रूट के बड़े स्टेशन है वैसे ही कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच जो विवेक एक्सप्रेस का रूट है उसमें जो भी बड़े स्टेशन होते हैं उन बड़े स्टेशन थे ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सारी सर्विसेस यानी कि ये सारा जो साइड पेंट्री का खाना होता है उसको चढ़ाया जाना था बट हुआ दरअसल यूं कि विजयनगरम में हो गया है रेल एक्सीडेंट जिसके वजह से जो डिब्लूगढ़ विवेक एक्सप्रेस का जो ट्रेडिशनल रूट है वाया विशाखापटनम भुवनेश्वर होकर उस उसपे ट्रेन नहीं चल सकती थी तो अब ट्रेन को किया जाता है डाइवर्ट और ट्रेन जाती है बलहार शाह नागपुर रायपुर बिलासपुर झारसुगड़ा राउल केला वाले रूट से अब ट्रेन अगर इस रूट से जाती है तो जो सर्विसेज थी उसमें काफी कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी ही ट्रेन में जो खाना चढ़ना था जिन स्टेशन से वो उन स्टेशन से नहीं चढ़ा जिसकी वजह से जो चलती ट्रेन में जो आपको फूड सर्विसेज मिलती हैं जिसको हम साइड पेंट्री बोलते हैं उनसे पैसेंजर्स वंचित रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी बड़े स्टेशन है वहां पर लोग खाना खरीद सकते हैं और बड़ा स्टेशन आते ही बिलासपुर स्टेशन में काफी ज्यादा हंगामा हुआ आरपीएफआई जो रेलवे के ऑफिसर्स थे उन्होंने भी कंट्रोल करने की कोशिश की निर्देश दिए और बिलासपुर स्टेशन एक बड़ा स्टेशन है आठ प्लेटफॉर्म है यहां पर और दिन भर ट्रेन गुजरती रहती हैं तो यहां पर फूड स्टॉल पे आपको हर टाइप का खाना मिल जाता है तो इस वजह से बिलासपुर स्टेशन पे फिर सारे यात्रियों ने खाना लिया और फिर ट्रेन को आगे की तरफ रवाना किया तो एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट होता है कि स्टेशन पे उतर के यात्री जो होते हैं वो काफी ज्यादा हंगामा करते हैं और शोर मचाते हैं नारे लगाते हैं जिसकी वजह से एक अलग सा माहौल क्रिएट हो गया था स्टेशन में तो दोस्तों ये कुछ थी आज की न्यूज विजयनगर रेल एक्सीडेंट के बाद और जब कोई ट्रेन ऐसी हो, जो कि से एकदम इंडिया के साउथ पोर्शन से चलकर नॉर्थ ईस्ट पोर्शन तक जाती हो और 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करती हो 25 घंटे का समय लेती हो तो यात्रियों को तकलीफ तो होनी लाजमी सी बात है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ऐसे ही मिलती रहूंगा आपसे अनेक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं ना तो वहां पर भी बिल्कुल से फॉलो कर दीजिए वहां मैं आपको अप, अपनी जर्नी अपडेट देते रहता हूँ दीजिए मुझे इजाजत स्टेट जय हिंद वंदे मातरम ओम नम शिवाय